पे पॉलिथीन में कुछ था जिसको बच्चे ने कोशिश की कि कुछ को खोल के देखा जाए तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कई जगहों पर लगातार बम ब्लास्ट की जो खबरें आ रही हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है। ताजा मामला लखीसराय से है, जहां पर बड़ी घटना हुई है। वहां पर बम ब्लास्ट हुआ है और बम ब्लास्ट के बाद कई लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। ये पूरा मामला दियारा इलाके का है और ये पूरी घटना कैसे हुई, किस प्रकार से ब्लास्ट हुआ, कितने लोग हताहत हुए हैं, ये सारी जानकारी वहाँ के SP सुशील कुमार दे रहे हैं, जरा सुनिए। वहीं पे एक पॉलिथीन में कुछ था जिसको बच्चे ने कोशिश की कि कुछ को खोल के देखा जाए तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ। छोटा सा था, वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुई। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो हम लोगों को प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि वो सुतली बम जिसको कहते हैं, देसी बम, वो था और ब्लास्ट हुआ, जिसमें आसपास में पाँच लोग थे, उनको चोटें आई हैं। अभी मैंने डॉक्टर से बात किया, सब लोगों का इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। सारे लोगों को एक्सटर्नल इंजरी है, हल्की इंजरी है, माइनर इंजरी है, सभी लोग आउट ऑफ डेंजर है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सबका इलाज अच्छे से चल रहा है। बाकी और भी जाँच के लिए हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब को बुलाया है और इसके अलावा स्निफर डॉग को भी बुलाया गया है, जो कि आसपास के एरिया को भी सैनिटाइज करेगा। जिंदा बम और भी बचा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा है वहाँ पे, देखने से घटना स्थल पे देखने से नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षा के तौर पे सारे जगह पे हम लोग सैनिटाइज करवाएंगे जो स्निफर डॉग है। मतलब ये संभावना बन सकती है कि बाहर से किसी ने बम वहाँ रखा हो? चूँकि वो उनका अपना ही एरिया है, उनका बैकयार्ड है, तो ये कहना मुश्किल है कि किसी ने रखा है। बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल, बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं उसमें, अब कैसे है वो जांच का विषय है, लेकिन किसी के रखने के लिए अभी हम इस चीज़ को बताना मुश्किल है, वो जांच के बाद क्लियर होता है। सर, पिछले बहुत दिनों से दियारा काफ़ी शांत था, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शांति फैलाने का प्रयास है। अब ये सब चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसी चीज़ों को मैं अभी नहीं बता सकता जब तक कि मेरे पास कोई सबूत नहीं हो, लेकिन ये एक घटना है जो कि हम लोग इस पर जाँच कर रहे हैं और इस पर हम लोग तुरंत ही जो भी होगा कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सुना आपने, खबर पर बता रहे थे वहां के SP और ये भी बता रहे थे कि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है वो सुतली बम के विस्फोट का लग रहा है। ये विस्फोट होते ही इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। अगर हम विस्तार से आपको बताएं तो दियारा इलाके में पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गाँव में शंकर रजक के घर पर बम विस्फोट की घटना हुई, जिसमें एक महिला, दो बच्चे सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से सभी जख्मी का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर पहुंचकर पिपरिया थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार मामले की जांच भी कर रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शंकर रजत के घर में भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। घर के बगल में ईंट रखी हुई थी और इसी दौरान एक ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जो होता है उसकी धमाके से इलाके में दहशत फैल जाती है, इलाके में अफरा तफरी मच जाता है और उसके बाद वहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है बिहार के लखीसराय जिले से, जहां पर एक बार फिर से इस जिले में भी बम ब्लास्ट की घटना सामने आ रही है। हालांकि किसी के मरने की कोई सूचना नहीं है, किसी के जान से जाने की कोई सूचना अब तक नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई लोग, आधा दर्जन लगभग लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।